तो ये देखिए कितनी बढ़िया हमारी पनीर बॉल्स की रेसिपी बनी है। इसका क्रिस्पनेस का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं फ्रेंड्स, कुछ इस प्रकार के तरीके से। तो पनीर बॉल की रेसिपी के लिए फ्रेंड्स हमने 250 ग्राम के आसपास पनीर लिया है और 50 से 60 ग्राम के आसपास चावल काटा, एक बड़ी साइज़ का प्याज, 2 से 3 हरी मिर्च और थोड़ी सी बीट का टुकड़ा हमने लिया है। तो इन सबको इस प्रकार के शेप में हमने काटा है और उसके बाद हम एक बड़े बॉल में सारे मटेरियल को डालेंगे और चावल काटा भी डालेंगे। यहाँ पे आपके पास चावल काटा ना हो तो कॉर्नफ्लोर भी डाल सकते हैं। उसके बाद मसाले में हमने नमक, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और खड़ा जीरा डाल के इसे अच्छे से मिलाएंगे कुछ इस प्रकार से। सारे पनीर को हम क्रश कर लेंगे। आप चाहे तो इसे घिस के भी डाल सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे हाथों के सहारे इसे मैश किया है और इसे अच्छे से हम मिला लेंगे। हरी मिर्च को और बीट को हमने पतले पतले शेप में काटा है और प्याज को बिल्कुल बारीक बारीक टुकड़ों में। तो इसमें आप चाहे तो मटर के दाने भी डाल सकते हैं आप, या फिर तो ये देखिए हमारा डो तैयार हो गया है। तो हम इस प्रकार से इसका बॉल बना लेंगे फ्रेंड्स, हाथों से इस प्रकार से प्रेस करते हुए, और जब गोल हो जाए इस प्रकार के शेप में तो थोड़ा सा हाथों को इस प्रकार से हिला लेंगे ताकि अच्छे से बिल्कुल शेप ले ले, बढ़िया वाला बिल्कुल गोल जैसा इसका शेप हो जाएगा। तो ये देखिए, तो सारे बॉल को हमने इसी प्रकार से बनाया है। तो ये देखिए फाइनली हमारा सारा बॉल तैयार है। ये लगभग 12 से 14 बॉल तैयार हुए हैं इतनी मात्रा में। अब एक कढ़ाई लेंगे हम, उसमें तेल को हीट कर लेंगे और तेल को हम हीट करके फ्लेम को हम मीडियम कर देंगे, ज़्यादा तेज फ्लेम पे हम नहीं इसे फ्राई करेंगे। तो ये देखिए हम बारी बारी से इस प्रकार से इसमें डालते रहेंगे। तो अब ध्यान देंगे यहाँ पे, क्योंकि ज़्यादा तेज फ्लेम पे करेंगे तो ऊपर ऊपर हमारा ये बिल्कुल फ्राई हो जाएगा, अंदर से कच्चा ही रहेगा। तो इसीलिए हमने यहाँ पे मीडियम फ्लेम पे इसे फ्राई किया ताकि अंदर तक अच्छे से पक जाए, क्योंकि मसाले हमने सारे कच्चे मसाले डाले हैं। क्योंकि देखिए हम इस प्रकार से इसे बीच बीच में चलाते रहेंगे, मुश्किल से ये 3 से 4 मिनट में ये फ्राई होकर रेडी हो जाएगा। तो आप इस प्रकार से लगातार इसे चलाते रहेंगे और एक दूसरे को पलटते रहेंगे। तो ये देखिए इसका कलर कितना चेंज हुआ है। तो ये देखिए फाइनली हमारा ये फ्राई हो गया है अच्छे से, बिल्कुल डीप फ्राई। तो अब हम निकाल लेंगे फ्रेंड्स। तो इसे हमने 2 बैचों में फ्राई किया, तो ये पहले बैच को हमने निकाला है, तो सेकेंड बैच को भी हम इसी प्रकार से फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए इसका भी कलर कितना बढ़िया ही बना है। तो अब हम इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो ये देखिए कितना बढ़िया इसका कलर भी आया है और ये खाने में तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है और बिल्कुल यूनिक रेसिपी है। आप अपने घर में पनीर से इस प्रकार से बना सकते हैं इस रेसिपी को। तो ये देखिए कितना बढ़िया से ये बन के तैयार हुआ है पनीर बॉल की रेसिपी फ्रेंड्स। तो इसे आप चाहे तो टमाटो केचप के साथ भी सर्व कर सकते हैं या फिर हरी चटनी के साथ। तो फ्रेंड्स कैसी लगी ये रेसिपी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, और आप भी इस रेसिपी को अपने घर पे एक बार ज़रूर ट्राई करें और हमें कमेंट करें कि इसका स्वाद कैसा लगा आपको। तो फ्रेंड्स तब तक के लिए धन्यवाद। अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि इसी तरह की रेसिपी आपको आगे भी मिलती रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।